खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां भारी बारिश ने किसानों पर ढाया कहर। भारी बारिश के कारण किसानों के सैकड़ों बीघा धान और अन्य फसलें हुई जलमग्न। एक तरफ किसान महंगाई की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ कुदरत के कहर से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने अब सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश के चलते शाहजहांपुर के कई गांव के किसानों की उर्द सरसों धान की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, तो वहीं कटी पड़ी हुई फसल खेत में पानी भरने से सड़ रही है। जब हमारी टीम ने ब्लॉक सिंधौली के भाईपुर, ककरौआ, गगैया, बिलंदपुर, गद्दीपुर में जाकर जायजा लिया, तो किसानों का कहना था कि एक तरफ किसान महंगाई से जूझ रहा है और दूसरी तरफ बारिश ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। अब अगर सरकार से कोई मदद मिल जाए तो थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है। अगर देखा जाए तो किसान की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। अब देखना ये होगा कि किसानों की दोगुनी आय की बात करने वाली भाजपा सरकार पीड़ित किसानों की किस तरह से मदद करती है। मीडिया 100 न्यूज शाहजहांपुर से मिथुन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। आपका नाम क्या भाई? मुन्ना लाल। आप किस गांव के रहने वाले? भाईपुर। ये जो फसल आप उठा उठा के बाहर फेंक रहे हो, मतलब क्या हुआ इससे? इससे बहुत हमारा नुकसान हुआ है। कोई अगर सरकार चाहे तो हमें कुछ लाभ दे सकती है। बारिश के कहर से जो फसल का नुकसान हुआ है उसे इसी वजह से आप उठा के बाहर डाल रहे? जी, मतलब खराब हो गए फसल। खराब हो गए धान सब हमारा, खराब हो गए फसल को, बहुत नुकसान हुआ है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहते हैं कि अगर थोड़ा था हमारा यही मुआवजा मिले, सरकार हमें थोड़ा मिल जा सकता है। नाम क्या है? राम राखी। ये जो बारिश के कहर से जो नुकसान हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जब पानी निकल रहा है तो सर ही आ गया है, जब का करेंगे तो आप इसके बारे में आपको सरकार से क्या कहना है आपका? अब सरकार तो ना कुछ मिले वो सरकार से, और कहा नुकसान की भरपाई और कहा और कुछ और कहा चाहिए, बस ये नुकसान जो हुई बहुत तो चाहिए हमें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ककरौआ। ये जो बारिश के कहर से जो फसल को नुकसान हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें गवर्नमेंट जो कुछ दे मुआवजा दे दे, नुकसान बहुत ज़्यादा भाई। 100 रुपया लीटर डीजल लगाओ, एक तो मेहनत गुया, स्प्रे दवाई। सरकार के बारे में? सरकार तो सही है, मतलब जो कुछ व्यवस्था करे सरकार जो हो सके। आपका नाम क्या है? राम नोहरे। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, भाईपुर के? भाईपुर के। ये जो बारिश के कहर से फसल का नुकसान हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सरकार सोचे क्या इसका भत्ता हमें देती है सरकार, इसका नुकसान भरेगी या नहीं भरेगी? सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? जब हम कहेंगे, जब हमको कुछ ना कुछ मिलेगा तो सरकार को अच्छी कहेंगे, नहीं मिलेगा तो बुरा कहेंगे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। ये बारिश के कहर से जो फसल का नुकसान हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मुआवजा मिलना चाहिए। और क्या, ये पानी निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार, मतलब सरकार से क्या कहना है इसका? सरकार से यही कहना है कि मतलब मुआवजा मिलना चाहिए जो नुकसान हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाईपुर के। आपका नाम क्या है? मनिंदर सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका। जो बारिश के कहर से जो नुकसान हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम इसके बारे में क्या, हमें कुछ मिलना चाहिए। सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार बारे में कहेंगे मेरा धान गिरा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, हमको कुछ मिलना चाहिए। नाम क्या है? हरिपाल। कहाँ के रहने वाले? बिलंदपुर के। ये जो बारिश के कहर से जो नुकसान हुआ है फसल का इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब जो कुछ सरकार करे, गरीब आदमी गाड़ी दो, सरकार को दंड हो, भगवानों को दंड हो रहा है। सरकार भी बिकने नहीं देती और भगवान उठाने नहीं देता। जो दो चार बीघा गाड़े हैं वो जा रहे हैं, क्या करें, गरीब आदमी हैं और अपना पेट पालना कर रहे हैं, उसे भी नहीं गुजारा हो रहा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भगवान पाल यादव। ये जो बारिश के कहर से जो नुकसान हुआ है फसल का इसके बारे में आप इसके क्या कहेंगे? इसके बारे में यही है, इसके भैया भरपाई होनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए। जो गरीब आदमी है, अब इनका यही तो दाना किसान आदमी क्या है, किसान आदमी यही तो पैदा करता है, अब यही ख़त्म हो गया, अब इसके लिए क्या है बताओ। इस खेत से पानी का निकास किधर भी नहीं है? किधर नहीं है, पुलिया पड़ी है, वो भी ऊंची है, वो पानी निकल नहीं रहा। पुलिया भी खराब पड़ी है? हाँ, ऊँचे पे है, खेत है नीचे। तो ये सारे मतलब धान जो है यहीं सड़ जाएंगे? सड़ रहे यहीं सड़का जी, 4 दिन पानी ना ख़त्म हुई और ना जो है जो सही धान खत्म ही है।